बिजनेस वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए श्वेता टेक टिप्स चैनल को और घंटी वाले बटन को दबाइए सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं श्वेता टेक टिप्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसा बिजनेस आइडिया जिसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। अगर आप नए नए डिज़ाइन और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाते हैं तो आप इस बिजनेस में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ स्लीपर मेकिंग बिजनेस के बारे में, यानी हवाई चप्पल बनाने के बिजनेस के बारे में। मुझे पता है कि स्लीपर मेकिंग बिजनेस का नाम सुनते ही आप करने वाले हैं इस वीडियो को स्किप, क्योंकि मैंने पहले भी 2-3 वीडियो इस बिजनेस से जुड़ा हुआ पोस्ट किया हुआ है। लेकिन इस वीडियो में आपको मिलने वाला है इन्फॉर्मेशन कि कौन सी मशीन आप खरीदते हैं तो हर तरह की हवाई चप्पलों का निर्माण करते हैं, कौन कौन सी मशीनें आपको खरीदनी चाहिए जो कि इस बिजनेस के लिए ज़रूरी होती है, और जिस कंपनी का हमने वीडियो दिखाया है यहाँ पर मशीन से लेकर रॉ मटेरियल सभी कुछ एक ही जगह मिलता है। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि मशीन का यूज करके हवाई चप्पल कैसे बनाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बटन को भी दबा लीजिए। इससे हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। अगर आप हिंदी में बिजनेस आइडिया रिलेटेड ब्लॉग पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट swetatechtips.com पर एक बार ज़रूर विजिट करें। दोस्तों, स्लीपर बनाने में 5 से 6 तरह की मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। आज मैं आपको सारी मशीनों का डेमो दिखाऊंगी। वैसे तो ये कंपनी वाले इसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आप हमारे वीडियो को देखकर भी इन मशीनों का इस्तेमाल आसानी से करना सीख सकते हैं। सबसे पहली मशीन है सोल कटिंग मशीन। इस मशीन से रबर सीट से सोल काटने का काम करते हैं। दोस्तों, इसमें प्रोडक्शन शुरू करने से पहले सेटिंग करनी पड़ती है जिससे डाई से रबर सीट अच्छी तरह से कट सके। तो अगर आप मशीन खरीदते हैं तो ये सेटिंग करवाना बिल्कुल ना भूलें। मशीन को ऑपरेट करना बहुत ही आसान है, थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद आप बड़ी आसानी से सोल कटिंग कर सकते हैं। सोल कटिंग के बाद हम चप्पल को फिनिश लुक देने के लिए ग्राइंडिंग करते हैं। चप्पल के किनारों को ग्राइंडर की सहायता से फिनिश लुक देते हैं। इससे चप्पल का किनारा बिल्कुल स्मूथ हो जाता है। इसके बाद हम ड्रिल मशीन का इस्तेमाल कर चप्पल में होल करते हैं जिसमें स्ट्रिप को आसानी से डाला जा सके। आपको मैं बता दूं कि जब हम सोल कटिंग करते हैं तो उसी समय चप्पल में स्ट्रिप के लिए छोटा होल हो जाता है, क्योंकि डाई में इस तरह की सेटिंग होती है। बाद में उसी निशान पर ड्रिल कर होल को बड़ा कर देते हैं।
इसके बाद स्ट्रिप मशीन का इस्तेमाल कर स्ट्रिप को चप्पल में आसानी से डाल देते हैं। इसके बाद अगर आप चप्पल पर डिज़ाइन या कंपनी नेम छापना चाहते हैं तो स्क्रीन प्रिंटिंग बोर्ड की सहायता से प्रिंटिंग का काम भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा एक नई मशीन इस बिजनेस के लिए इस्तेमाल होता है जिसके बारे में इस कंपनी के ऑनर आपको बताएंगे। इस मशीन से आप एक घंटे में 2 लेबर लगाकर 100 पेयर हवाई चप्पल बना सकते हैं। इस तरह से अगर आप 8 घंटे भी काम करते हैं तो 800 पेयर हवाई चप्पल बना सकते हैं और दिन के 8,000 रुपये कमा सकते हैं। हम हेल्थ का सीट बोलते हैं। इस सीट को का साइज 40x70 होता है मैक्सिमम। इसमें 28 से 30 पेयर निकलता है। इसको हम काट के स्लीपर को घिसाई करके फिटिंग करके मार्केट में बेच सकते हैं इसमें ना, ठीक है। ये सीट हमारा लेडीज का होता है, लेडीज का डिजाइन होता है। इसमें 5 कलर होते हैं, सिंगल कलर में होता है। इसका 71x41 का साइज होता है। 71x41 का साइज होता है। इसमें 32 से 33 पेयर निकलते हैं। इसका प्राइस 700 रुपये होता है। ये सोल का शीट होता है हमारा। इसका 40x70 मैक्सिमम प्राइस होता है, वो साइज होता है। इसका प्राइस 430 रुपये होता है। इसके बॉटम पेस्ट होता है, वो बॉटम पेस्ट होता है। इसके बाद पेस्ट करने के बाद इसको काट के हम अपना लोगो लगा के और फिट डाल के मार्केट में बेच सकते हैं। इसके अलावा एक बॉटम और भी आता है, जो इस टाइम में इमोज का होता है। इसको हम काट के फिटिंग करके इसको भी मार्केट में बेच सकते हैं। लेडीज का हील वाला सीट है। इसमें 16 से 18 पेयर निकलता है फुल साइज। 500 रुपये की सीट है। इसमें 6 से 7 कलर होते हैं। तो कस्टमर के अकॉर्डिंग कलर को बना सकते हैं ना एक्स्ट्रा, जैसे कस्टमर मांगता है मुझे अलग कलर चाहिए तो वो तो जो कस्टमर कलर चाहे वो कलर बन बता दीजिए कि अगर कस्टमर कोई और कलर चाहता है तो हम वो कलर भी बना के दे सकते हैं। अगर जो कस्टमर कोई और कलर भी चाह रहा है तो वो कलर भी बन जाएगा।
फ्रेंड्स, अभी हमने स्लीपर बनाने का वीडियो बनाया है तो उसके बारे में हम इस कंपनी के ऑनर से बात करते हैं। ये कंपनी के ऑनर हैं विनय। हेलो विनय। हेलो सर। विनय, आप ये बताइए कि स्लीपर मेकिंग मशीन में कितने मशीन यूज होते हैं? सोल कटिंग मशीन हो गई, स्ट्रेप मशीन हो गई, ड्रिल मशीन हो गई, ग्राइंडिंग मशीन हो गई, स्क्रीन प्रिंटिंग बोर्ड हो गया। इसके बाद एक हमारे पास एक एक्स्ट्रा मशीन होती है जो कि सोल पेस्टिंग मशीन होती है। अलग डिज़ाइन में, जैसे कि आपने स्पार्क वगैरह का जो भी सारे स्लीपर आपने देखा होगा, जो से चौड़े फिरते जो बनते हैं, उस टाइप का आप स्लीपर बनाने के लिए आपको सोल पेस्टिंग मशीन लेनी पड़ती है। जो अभी हमने आपको वीडियो में नहीं दिखाया है, वो अभी फैक्ट्री में बन रही थी, रेडी नहीं थी, इस पर आपको हमने नहीं दिखाया। तो आप फैक्ट्री पाते हैं तो वो चीज़ आपको हम दिखा देंगे, प्रॉपर सब कुछ बना करके ट्रेन देंगे हम आपको। रही बात करते हैं टोटल, इसमें जो मशीनें होती हैं 5 मशीनें होती हैं, ठीक है। इस टोटल मशीनों जो कॉस्ट होती है हमारे पास कि 1,10,000 रुपये की टोटल मशीन पड़ती है, जो कि हमारी मशीन 10 टन की होती है। इसमें 10 टन भी होती है, 5 टन भी होती है और 15 टन भी होती है। बात करते हैं 10 टन और 5 टन और 15 टन, इसमें डिफरेंट क्या है? जैसे कि जो हमारी 5 टन की होती है उसे मतलब कि अच्छी क्वालिटी की स्लीपर नहीं बन पाती है। जैसे नॉर्मल से एक मान लीजिए कोई स्टार्ट कर रहा है तो 20 mm तक या 15 mm तक स्लीपर बनाना है, 15 mm तक बनाना है स्लीपर, तो वो बना सकता है। लेकिन मार्केट में जैसे कि जो लो कटरी के जो स्लीपर मिलते हैं, जैसे कि 40 rupees तक जो स्लीपर मिलते हैं, काफ़ी लो कटरी के, वो स्लीपर पाइंडिंग मशीन बनता है। लेकिन अब जब आप बिजनेस करने जा रहे हो तो आप अच्छे क्वालिटी स्लीपर बनाओगे तो आपको कम से कम 10 टन की मशीन लेनी पड़ेगी। 10 टन की मशीन से आपका काम हर एक तरह का स्लीपर आपका बन जाएगा। रही बात उससे बात करते हैं फिर लेडीज स्लीपर, लेडीज स्लीपर में काफ़ी मोटे उसके आते हैं, थिकनेस के आते हैं सीट आती हैं, जिससे कि आपको हैवी टन की रिक्वायरमेंट होती है, तो 15 टन उसके लिए आपके सफिशिएंट है। तो बात करते हैं तो 15 टन के लिए हर एक तरह का स्लीपर, 15 टन की मशीन लेते हैं, हर एक तरह का स्लीपर बन जाएगा, लेडीज जेंट्स किड्स हर एक तरह का स्लीपर बन जाएंगे। तो उसमें आप समथिंग कुछ नहीं तो आप 35 mm तक का स्लीपर कटिंग कर सकते हैं, 35 mm तक का चप्पल आप बना सकते हैं। इस मशीन में जो रबर सीट मिलता है वो रबर सीट कितने का आता है और कितने साइज का होता है? सर देखिए, रबर सीट हर एक डिफरेंट साइज की होती हैं, डिफरेंट साइज में आपको मिल जाएगी, हर एक क्वालिटी, जैसे ही क्वालिटी जाएंगे सस्ता भी होता है महंगा भी होता है, अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग जैसे आप बताओगे, जैसा आप सैंपल दोगे उसके अकॉर्डिंग हम आपको बना के सीट आपको प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे कि मार्केट में आपने अभी हम आपको बनता हुआ सीट हमारे पास बनती है, हम बनाते हैं, हमारी खुद कंपनी जो सीट बनाती है, हमें अभी आपको वीडियो में दिखाए हैं, तो आप जैसा सीट बोलते हैं वैसा सीट हम आपको बना के प्रोवाइड कर देंगे। एक रबर सीट में कितना पेयर चप्पल बनता है? जैसे कि हम बात करते हैं कि हमारी किस क्वालिटी की सीट है, किस डिज़ाइन में है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं अपनी मशीन में सीट को बनाते हैं। तो जिस क्वालिटी की आपको सीट चाहिए वो आप मुझे सैंपल दोगे, सर बना करके आपको बताएंगे कि इस सीट में कितना पेयर बनेंगे। जैसे कि बात करते हैं अभी जो हमने आपको वीडियो में दिखाया उसमें 30 पेयर, 28 पेयर, 32 पेयर तक सीट बनते हैं। हर एक सीट में 28 पेयर, 30 पेयर, 32 पेयर तक रेडी होते हैं स्लीपर, ठीक है। अगर हमें जैसे कि इन सीटों की जो प्राइस है 750 की भी सीट है, 800 की भी सीट है और 450 की भी सीट है और 55 rupees की भी सीट है। जैसे आपने 55 rupees की सीट देखा और 22 rupees का सीट देखा और 450 की सीट देखा, जो 450 की सीट थी वो सोल पेस्टिंग की सीट थी। जैसे कि जो स्लीपर होता है, स्लीपर में एक बॉटम होता है और एक सोल होता है, जो बॉटम होता है सोल के ऊपर को पेस्टिंग किया जाता है, जो आपने देखा वीडियो में। तो क्या करते हैं कि जो 55 rupees की सीट है सोल के ऊपर पेस्टिंग करते हैं, उसके बाद से स्लीपर रेडी करते हैं। एक घंटे में कितना प्रॉफिट हो जाता है? एक घंटे जैसे कि बात करते हैं हमारे मशीन से एक घंटे में कितना प्रोडक्शन हो जाएगा, नया बंदा है तो 1000 पीस नॉर्मल से बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, एक घंटे में 1000 पीस वो बना सकता है। तो 1000 पीस में कितना प्रॉफिट हो जाएगा? जैसे कि बात करते हैं प्रॉफिट की, तो हमारा एक स्लीपर 45 rupees में, 50 rupees में हमारा अच्छे क्वालिटी का स्लीपर रेडी होता है, जबकि उस स्लीपर की मार्केटिंग वैल्यू है 90 rupees, 75 rupees, 120 rupees, इस तरह के इनका प्राइस है क्वालिटी के ऊपर। जो हमारा 120 rupees का सीट स्लीपर है वो हमारा 55 rupees में बन के रेडी होता है, जो हमारा 90 rupees का है वो 45 और 50 rupees में बनता है। एवरेज 40 rupees का प्रॉफिट है। हाँ, एवरेज मान के चलते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं जो कस्टमर को आप सेल करते हो, जैसे कस्टमर दुकान ज़्यादातर शोरूम से करता है, इस कस्टमर को आप सेल करते हो तो 40 rupees आपका एवरेज बचता है। अगर जो आप वही होलसेलर को देते हो तो 15-10 rupees तो मांग, इसे कम नहीं बचता है, 15 और 10 rupees के बीच में आपको बचता है। इसके लिए क्या क्या लाइसेंस चाहिए? मशीन लगाते हैं, लगाने वाले जैसे आप टर्नओवर बढ़ता है तो GST नंबर ले सकते हो आप, इसके अकॉर्डिंग और किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती आपको, GST नंबर लेकर आप मार्केट के लिए सेल कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ से अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप यहाँ फ़ोन करके कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, कोई भी जानकारी ले सकते हैं।
और हमारे पास मशीन लेने आप आते हैं तो आपको चला करके हमें हम आपको दिखाते हैं जैसे कि स्लीपर बनता कैसे है। यहाँ भी आपको जैसे आप आएंगे कभी हमारे पास मशीन लेने के लिए तो आपको चला करके हम दिखा करके बताएंगे कैसे बनता है। और मशीन जाने के बाद मेरे यहाँ से लड़का से आएगा और जाके मशीन को इंस्टॉल करेगा और आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देगा। जैसे कि बात करते हैं कितने दिन, जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि कितने दिन ट्रेनिंग देगा, रही बात कितने दिन नहीं, आपको कैसे बनता है वो सब कुछ पूरी प्रॉपर आपको बना करके सैंपल पीस आपको दे करके बंदा आएगा और आपको प्रॉपर सिखाएगा। एक दिन लगेगा, दो दिन लगेगा, आपके अंदर रहेगा और आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देगा। ठीक है, ओके विनय, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि हवाई चप्पल का निर्माण कैसे करते हैं। तो अगर आप भी इस बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड हैं, आपको मशीन या रॉ मटेरियल्स किसी भी चीज़ से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उनसे संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अभी जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।